नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप ही न्यूज़ फाउंडेशन पर। चुनाव खत्म हो गए हैं झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र में, और वहां पर एग्जिट पोल तमाम जो संस्थान है उसके सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोलों के अंदर क्या निकल के सामने आया है, उसमें किसकी सरकार बन रही है झारखंड के अंदर में, क्या हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं सत्ता में, या फिर वहां पर बीजेपी जो है 5 साल बाद उनका जो बनवास वो खत्म हो रहा है, ये बताएंगे आप इस वीडियो में। पोल ऑफ पोल्स क्या है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र में कौन जीतने वाला है इस बार, वहां पर एनडी की सरकार वापस आ रही है या फिर वहां पर फिर से जो महागठबंधन की सरकार थी वो वहां पर सत्ता में वापसी करेगी उद्धव ठाकरे या कोई और, क्या कुछ होगा बताते हैं विस्तार से। तो तमाम चैनलों पर जो चुनाव खत्म होते ही जो है वो एग्जिट पोल्स आ गए हैं, तो पोल ऑफ पोल्स लेकर के हाजिर हुए। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव खत्म हुए, तो झारखंड पर दो चरणों में 81 सीटों पर चुनाव जो है खत्म हुए हैं। झारखंड पर सरकार बनाने के लिए, कुल जो झारखंड बनाने के लिए 41 जो है वो सीटें जीतनी जरूरी हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 10 एग्जिट पोल जो है वो सामने आ गए हैं, उसमें से 6 में भाजपा की गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 3 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार का अनुमान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें हैं 288, बहुमत के लिए वहां पर चाहिए 145 का जादुई आंकड़ा। दैनिक भास्कर रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से वहां पर जो है सरकार आ रही है महागठबंधन की, 135-150 सीटें आ सकती है वहां पर। अन्य खाते में ये 20-25 हो सकता है, जबकि जो एनडीए अलायंस है जिसमें शिवसेना और बीजेपी शामिल है, एनसीपी शामिल है, उसको 125-140 सीटें आने का अनुमान है। इसके साथ साथ न्यूज 18 मैट्रिक्स का एग्जिट पोल में महायुति यानी कि एनडीए को 150-170 सीटें आ सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 110-130 सीटें आ सकती हैं। अन्य खाते में 8-10 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क क्यू का एग्जिट पोल है, उसमें 137-157 सीटें आ सकती हैं महायुति को, जबकि महाविकास अघाड़ी की 126-140 सीटें आ सकती हैं, और अन्य खाते में 2-8 सीटें हो सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो वहां पर 152-160 सीटें आ सकती हैं महायुति अलायंस को, जबकि महाविकास अघाड़ी को वहां पर 130-138 सीटें आ सकती हैं। अन्य खाते में 6-8 सीटें आने का अनुमान है। पीपुल्स जो प्लस है उसमें वहां पर 175-195 सीटें आ सकती हैं एनडीए को, जबकि महाविकास अघाड़ी को 85-112 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य खाते में 7-12 सीटें आएंगी। इलेक्ट्रोल एज की का एग्जिट पोल है, उसमें 118 सीटें आ सकती हैं महायुति को, जबकि महाविकास अघाड़ी की 150 सीटें आ सकती हैं। पोल डायरी नाम की संस्था के एग्जिट पोल में 122-186 सीटें आ सकती हैं महायुति को, जबकि जो महाविकास अघाड़ी है उसको 69-121 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य खाते में 12-29 सीटें आ सकती हैं। रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर 137-157 सीटें आ सकती हैं महायुति अलायंस को, जबकि महाविकास अघाड़ी को 126-140 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य खाते में 2-8 सीटें जा सकती हैं। लोकशाही मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में 128-142 सीटें आ सकती हैं आपको महायुति को, जबकि महाविकास अघाड़ी की 125-140 सीटें आ सकती हैं, जबकि इनके खाते में 18-23 सीटें हो सकती हैं। एसएएस ग्रुप के एग्जिट पोल में आपको बता दें कि 127-135 सीटें आ सकती हैं महायुति को, जबकि महाविकास अघाड़ी को 147-155 सीटें आ सकती हैं, अन्य खाते में 10-13 सीटें आ सकती हैं। कुल 10 एग्जिट पोल्स हमने आपको बताए हैं महाराष्ट्र को लेकर के, और यहाँ पर 7 में जो है फिर से जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता में वापस आते नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी है वो सत्ता में वापस नहीं आ रही है। लेकिन पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, तो पोल ऑफ पोल्स यानी कि सबको एवरेज के तौर पर देखें तो पोल ऑफ पोल्स कहता है कि 146 सीटें आ सकती हैं आपको महायुति अलायंस को, जबकि 129 सीटें आ सकती हैं महाविकास अघाड़ी को, और अन्य के खाते में 13 सीटें हो सकती हैं। ये पोल ऑफ पोल्स है, यानी कि 10 का एक एवरेज जो एग्जिट पोल हमने आपको बताए उसके हिसाब से। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए वहां पर कुल 41 का जादुई आंकड़ा, और वहां पर जो है इस वक्त हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन, जिसमें आरजेडी चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ जो है वो एनडीए अलायंस है जिसमें बीजेपी के साथ जदयू और जो है आजसू के साथ साथ इस बार चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी शामिल है। तो वहां के पोल ऑफ पोल्स की बात करते हैं तो वहां को लेकर के जो है कुल 7
एग्जिट पोल्स जो है वो अब तक सामने आए हैं, और उसमें पोलो पोल्स क्या वो भी बताएंगे आपको। आंकड़ा जादुई जो है वो 41 का है, भास्कर रिपोर्टर्स पोल में वहां पर 37 से 40 सीटें आ सकती हैं एनडीए को, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को 36 से 39 सीटें आ सकती हैं, यानी कि खाते में दो जा सकती हैं। न्यूज 18 का जो है जो एग्जिट पोल्स में 42 से 47 सीटें हो सकती हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक को 25 से 30 सीटें आ सकती हैं। PMRQ का एग्जिट पोल में 31 से 40, जबकि इंडिया ब्लॉक का जो है को जो सीटें आ रही हैं उसमें 37 से 47 हो सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज के हिसाब से 45 से 50 सीटें हैं जो है वो एनडीए के हिस्से में, जबकि इंडिया ब्लॉक के हिस्से में 35 से 38 सीटें आ सकती हैं। पीपुल्स प्लस की एक संस्था है, उसने 44 से 53 सीटें दी हैं एनडीए को, जबकि उसने इंडिया ब्लॉक को 25 से 37 सीटें दी हैं, यानी खाते में 5 से 9 हो सकती हैं। टाइम्स नाउ JVC का जो एग्जिट पोल है उसमें 40 से 44 सीटें आ सकती हैं एनडीए को, जबकि इंडिया ब्लॉक को 30 से 40 सीटें हो सकती हैं, यानी खाते में एक। और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, उसमें 25 से जो सीटें आ सकती हैं वो एनडीए को और 53 सीट आ सकती है इंडिया ब्लॉक को, वहां पर अन्य जो है वो 3 सीटें जो आ सकती हैं। पोलो पोल्स कहता है कि 40 सीटें आ सकती हैं जो एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को आ सकती हैं 38 सीटें, अन्य खाते में 3 सीटें। तो सरकार बनाती हुई यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल मुकाबला बहुत नजदीक का है, कांटे का मुकाबला दिख रहा है पोलो पोल्स में। यहाँ पर बता दें कि RJD 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां पर, उसके बाद जदयू 2 पर, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास 1 पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ साथ इस बार का वहां पर जो मुकाबला है वो हेमंत सोरेन वर्सेस जो वहां पर BJP के बीच में जो अलायंस है उसके बीच में है, देखना होगा कि कौन जीतता है, क्योंकि चुनावी नतीजे 23 तारीख को आएंगे। ये पोलो पोल्स था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में कुल 288 सीटों पर आज ही चुनाव खत्म हुए, जबकि झारखंड में कुल 2 चरणों में 81 सीटों पर जो है वो वोट डाले गए, और उसके चुनावी नतीजे 23 तारीख को सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ फॉर नेशन पर। नमस्कार।